अच्छा जी, वो बेथले में वोट पोल करने जा रहे हैं। 336 डन जी, डन, बस अब जा रहे हैं। सिग्नल मुकम्मल खत्म हो चुके हैं जी। हाँ, अभी मुझे पहले कह रही स्टैंप लगाने से पहले ना इमाम ज़माना को एक दफ़ा याद करना पड़ा। अरे भूत में इन भाई इज सो एक्टिव, माशाल्लाह सारा काम कंप्यूटराइज चल रहा है। हमारे बॉस ही पहुँच गया, इनकी जिंदगी का पहला था, क्या था, बिक गई है गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट बिक गई। ये हमारे वालिद साहब हैं। मम्मी ये क्या बने हुए, पोलिंग स्टेशन क्या इलेक्शन? ये वजह सॉरी बैंड नहीं रहती, पाकिस्तान तो इतनी रौनक सी ना बोल सकते जी। सरपाक से की कम पड़ा, इतना रश है जिसके अंदर कोई सारे बाहर क्यों बैठे हुए पता नहीं। हमने सही मोरे डट के लगाई है अच्छा जी, वो बैतले में वोट पोल करने जा रहे हैं। किसी मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था मला लाइन पार्क इस गली का बड़ा सोनी मैडम दा आई मोहम्मद अली विच गया था वोट कास्ट कर सा। बॉस का काम पे 15 में अम्मी, अम्मी उसको ड्रॉप करने जा रही है। मैं और मानो आप यहाँ उतर रहे हैं, फिर सोन अगली डिटेल आई जी से नया। चलो जी मानो, आपकी बहनों को 8300 पर मैसेज करने के बावजूद भी पर्चियाँ नहीं समझ आ रही कि कहाँ पे। 336 चलो जी, दुआ करो। डन जी, डन, बस अब जा रहे हैं। माशाल्लाह ये गर्ल्स, मैं अपने इनसे मैं निशान भी वापसी भी पूछती नहीं हूँ, कहाँ का मोर लगाया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। सिग्नल मुकम्मल ख़त्म हो चुके हैं जी, तो हूँ साड़ी अम्मी जान दिन जा रहे सन पिक कर गए, उनके घर की चाबी भी गड्डी बच रह गई है। तो बड़ी उसमें वो बना हुआ था मी ना लो बस पूरी दिहाड़ मारे मानू आप ही सोड़ा था मैं पूरी जिंदगी लगता वाला दिन ना ले आना शोर नाम ना लो का माशाल्लाह यहाँ पर बैठने का और तो फायदा हुआ है, ये नहीं हुआ ये जरूर आ गया, पेट भर के खाना खा सकते हैं आप। मानू अभी तो मैं भरपूर फायदा चाहते हुए बहुत एक मजाइया बात आपको बताती हूँ, मजाइया भी नहीं। मानू अभी मैं वोट कास्ट करने जा रही हूँ, हम दोनों का सेम जो घराना नंबर था। मानो अभी मुझे पहले कह रही स्टैंप लगाने से पहले ना इमाम ज़माना को एक दफ़ा याद करना पड़ा। मैं कहा मानो अभी क्यों ना मैं कोई तो सांझे बनाए पे मानो अभी जो दुआवा कर करके चले पे उन्हें। और इधर भी हमारा ऐसी ऊपर मेरा था नीचे इसका, हम दोनों का साथ है, मैं और मानो अभी पक्के बदे गए हमारे भूत में इन भाई इज सो एक्टिव माशाल्लाह सारा काम कंप्यूटराइज चल रहा है। बंदे आते बाद में पहले कराना नंबर सिलसिला नंबर, और ये बाजियां खाई जा रही है खाई जा रही है। इन्हें लिस्टों में नाम को नहीं मिल रहे, ये मसला बने की वजह बनी है, इन्होंने कंफ्यूजन किया हुआ है। लेकिन देखें हमने हमने यस हमने ऐसा यूथ रखा है कि माशाल्लाह हमें चीज़ नहीं हो पा रही, कंप्यूटराइज हो गया हमारा सारा सिस्टम। हमारे बॉस ही पहुंच गया, इनकी जिंदगी का पहला था, क्या था, वोट, माशाल्लाह। आपने मान दिया जहाँ पर आप बिके हुए थे, मौसीकी का बहुत शौक है ना, तो एक बाजा मुझे ना यार आप इतने मीन है, आपने डिसाइड किया था ये मुझे नहीं बताया, इतने मंडे खाने का शौक है मुझे इतना जो शौक है गाने। अच्छा इन्होंने इन्होंने बताया नहीं है लेकिन इन्होंने आपको बताया होगा, पता नहीं वो कौन बंदा था किसका नाम मुझे तो इजी था, रश तो नहीं था, नहीं रश था लाइन लगी। अभी हमारे वालिद साहब का भी इधर ही है, अम्मी जान का हमारा बल्कि सर नहीं हमारा कम था। बात बताऊँ आपको, हम चावल भी खा चुके माशाल्लाह यार, आप तो बिरयानी की प्लेट के पीछे अपना वोट तो नहीं बेचती जी, आज हमने चन्नों के पीछे बेचे अपना वोट अब महंगाई हो गई, अब हम सस्ते में बिक बिक गई है गवर्नमेंट, ये सारी गवर्नमेंट बिक गई है, शर्म नहीं आती अब आपको, शर्म नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, ये हमारे वालिद साहब हैं, हम सब कराना छोटा सा ना लिया वोट दिया यार माशाल्लाह। चलें जी अब हमने क्या कर लिया, वोट पोल हो गए हैं, बॉस का, मेरा, मानो आपी का और हमारे वालिद साहब का, हूँ दो बशिंदे रह गए बॉय एंड साड़ी गर्ल मामा, इन्हें दोनों का एक बार पोल करें, अम्मी जान का बलकसर है ना आपका बलकसर पोल होगा और हमारे इस बच्चे का जाएंगे हम। सरपाक जा रहे हैं, सरपाक किस जगह पे बलम, सरपाक घूमे बेरे स्कूल के, ये जी द अलकम स्कूल यहाँ पर। तो अम्मी ये क्या बने हुए, पोलिंग स्टेशन या इलेक्शन ऑफिस? चावल गिनो ये रहने को लो के करें दो बे, ये क्या बातें हो रही है कुछ समझ नहीं आ रही, कदम पक्की जाए तो पहुंच के सुन मिलते हैं। चितुल के जीवांगे छोटी जेही जिंदगी नु खुल के जीवांगे सारे आ मानो होण खुल के जीवांगे। ए
वजह सॉरी बैंड नहीं रहती पाकिस्तान तो इतनी रौनका सी ना बोल सकते बहुत आज रौनक है चकवान में माशाल्लाह मौला गरबी हमारा नर्दाक का मल्ला सरपाक से की कम बड़ा पता इतना रश है जिसके अंदर कोई नहीं है यहाँ पे हाँ इतने लग रहा था कोई ब्रूथ वाला सीन नहीं है सारे बाहर क्यों बैठे हुए पता नहीं दुआ करें यहाँ पे हमारा बशिंदा जल्दी से वापस आए तो हम लोग इधर से निकलें जल्दी से साढ़े मानो वापिस सन पूरा सर पाक फिर आया अभी दोपहर दे चक्रा जो इस गली दे नुकरत है बह रहा जैसे दो पोल है सन अल्लाह करे वो बशिंदा भी मुड़े तो अम्मी को हमने अभी ड्रॉप किया था अम्मी ने एक दो जगह पर विजिट करना था हमारी अम्मी जान ने अम्मी को अथॉरिटी लेटर इशू हुआ है चीफ एजेंट का तो उन्होंने हर पोलिंग स्टेशन पे जाके एक दफा चेक करना है कि पूरा मन मोहल्ले या नहीं है तजर्बा गया डिंडिक डिंडिक अच्छा गया तजर्बा हमने सही मोरे डट के लगाई है ये इस बच्चे का भी पहला वोट था डट के लगाई वहाँ करो जल्दी जल्दी सन अम्मी मिलवाइयो सिग्नल भी कौन है रबता भी कौन है तो इस रश तो निकल वाइयो अलहमदुल्ला अम्मी जान सन लब पे वहदे पे अम्मी रवान था बलका सर ना टाइम बहुत कम रह गया और हमने बलका सर पहुँचना है अम्मी जान का वोट जाया नहीं करना तो हम दुआ करो सी नको नक पूछा अभी फिलहाल तो बहुत रश है आखिरकार बलका सर वाला भी बाबे चकवान गया आप क्या करते हैं अभी अच्छा लग रहा है ना अल्लाह करी जी इलेक्शन अभी सबसे अच्छी क्या बात लग रही है इतने ज्यादा लोग निकले हैं ना मतलब वोट तो आपका अपना प्लान नजरियाती सबसे अच्छी बात है मतलब नजरियाती वोट है जहाँ आप दें जहाँ आपका दिल है लेकिन इतनी अवेयरनेस है लोगों को मतलब निकले सारे हैं कम से कम चलो अपना राइट सब यूज करने निकले तो अभी तक तो बड़ा पुरसकून सा माहौल है अब हल्का सा देखते हैं यहाँ पे क्या शाम को बहुत मॉल बनने का ढोल बजेंगे क्या पता ढोल बजेंगे या फिर गोली पड़ेंगे किसी दे दे बज सकते हैं वही कह रहा हूँ ना ढोल बजेंगे जिसके भी बजे चाहे मेरी शादी देवाज बजने गल है बजने चाहिए ढोल अल्लाह करे वरना मंडे रेवड़ियां तो बार बार मुट्ठी अपनी अंदर मेरी शादी दे पता हां बैठना बैठी हुई है अल्लाह बैठना तो कोई नहीं मैं गर्ल्स हाई स्कूल बलका सर जा रहे हैं फोन यहाँ जमा करा के जा रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम कर दिए हाँ जी ओ ओ आपने वाई किया जाम सोच रहे हैं बस हमने सोचने बोलना नहीं बोलना नहीं हम बोल नहीं सकते ठीक है और इतना रश है बलका सर क्या बताएं ऐसे लोग बहुत लाइनों में अम्मी जान दा था वोट मसला है कश्मीर बना पिया भाई दो स्कूल का अच्छा है कौन ही रहता हूँ बॉय स्कूल में जा रहे हैं बॉय स्कूल में जाते हैं अल्लाह करे फोल हो जाए चार बज के दस मिनट हो गए वोट बड़ा कीमती है जाने ब्लर क्यों पे होगा टाइम हो बहना अम्मी जान दा भी वोट पोल हो गया साढ़े नुकसान भी हो गया और दस ना सकते पर शुक्र अलहमदुल्ला साढ़े घर से सारे वोट हो गए क्लियर है ना शुक्र अलहमदुल्ला पहुंच के हैं जी चकवाल और पोलिंग बंद हो चुकी है नमी टाइम हो गया अब बंद हो चुकी है हम लोगों का चाय पीने का या कुछ खाने का प्लान बनता है अम्मी फिर हमें ड्रॉप कर देंगे घर सवाड़ियाँ बैठना बात फ्री घर बहने सवाड़े हमारा ब्लॉग एडिट करें माशाल्लाह बहुत तेज खुशी ना जले पे आते हैं वोट पोल करने के बाद अपनी बहना सीरियसनेस चेक करो भी सुबह दी सिर्फ चावल तो जो फका मारिया तो आया हूँ खाना खाने वाला आया चक्कर आ रहे हैं बहुत ज़्यादा अरे क्यों बंद है उनको कहें फ्रंट से खोलें मैंने लगता हैं जी मुर्तजा होटल चलो जी ऑर्डर हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने मगज़ की दो प्लेटें एक फ्राइड ज़्यादा खराब हो गया तो दिल मगज मारी भुखी थी सुबह दी तो हूँ नहीं लगता पाया भाई जल्दी नल खाना आवे तो क्या वाई फाई यार ये वैसे बड़ा जुल्म किया ना उन्होंने सर्विस वाला काम अभी तक नहीं आई इलेक्शन आने तो त्रै महीने पहले कम बना रहा सिंगल पर्ची सिंगल लाइन में थे ना सिंगल लाइन में थे और जो व्हाइट उसके दोनों साइड्स पे था पूरा बस था ना फिर मैं आके उसने पहले उन्होंने दूंगा ना पर मैं लगो मुझे टिक्की रहा था खुली रहा मैं ना हमने अपनी वो उसका मोर का करना था ना सेव करने का हमने जिस पे लगाई है आपको नहीं फोल्ड करके नहीं दे रहे थे अच्छा हमारा मोहम्मद अली जो था ना स्कूल वहाँ पर क्या किया उन्होंने
उन्होंने ना यूं फोल्ड की हुई थी एक साइड से, एक साइड से यूं फोल्ड की हुई थी, मतलब एक बड़ी पर्ची है ना उसको यहाँ भी फोल्ड कर दिया था निशानों के लिए, मतलब उस निशान की जो थी ना स्टैम्प थी ना वो इस साइड पे लगेगी और इसको यूं फोल्ड कर दिया था उन्होंने। क्या स्टैम्प लगाने के बाद आपने यूं फोल्ड करनी है, वो बड़ा अच्छा वैसे कर रहे थे ना ऐसे ऐसे बेटा जैसे भी कर जैसे भी जान छोड़ो नहीं वैसे उधर अच्छा कर रहे थे ना, उधर काफी अच्छा था। तो सारे बॉस दुनिया से वर्क रखो तो 1-5 तक रुलते रहे मैं ड्यूटी लगी थोड़ी सख्त मैं नहीं आखा मैं ड्यूटी लगी सर सख्त बार बहुत सख्त बार आपने भी हरकत नहीं की आप इनके पास देखी है क्यों बॉस किस नेचुरल डिटेक्टर बाकी गल झा गए खाना हमने खा लिया है और जान में जान आई है। घर जाने से पहले पहले हमने कहा हम एक दफा शहर का चक्कर लगा जाए, फिर हमें हमें ड्रॉप कर दिया कि क्या रौनक है अभी यहाँ की। अभी तो अभी खत्म हो गया ना सारा, होपफुली अब काउंटिंग वगैरह स्टार्ट होने लग पड़ी होगी थोड़े टाइम तक। आई थी ध्यान आखिर अम्मी कितने टाइम से रोले थे इलेक्शन बहुत ज्यादा रोन जो बंदे ओपोनेंट खड़े होते हैं ना मी उनके लिए कितना मुश्किल है। अम्मी जी अब हम क्या घर जा रहे हैं ना और बस आप उतारेंगे तो हम फिर आ जाएंगे। हाँ अम्मी लोग हमें ड्रॉप करने लगे हैं असी घर बना और फिर आपको वहीं जाके मिलेंगे इंशाल्लाह जी। आज का व्लॉग बस हम अपना यहीं खत्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और दुआओं में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़।